ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। राहुल गांधी का संबोधन फिलहाल। ये सच्चाई है, इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। तो दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी का संबोधन आप सुन रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले INDIA ब्लॉक के 27 दल दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन से जुड़े कई चेहरे और फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया का संबोधन। सबसे पहले इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सीनियर नेतागण का मैं बहुत तहदिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के जेल में डालने के विरोध में यहां आके हमारा हौसला बढ़ाया। एक बार मैं तालियां चाहूंगा आपकी तरफ से भी। मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग।